हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अल्टीमेट कार में। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली मारुति की आर्टिका पर, जिसे हम लोग फुल डेंट पेंट करेंगे। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, जिसको वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। वीडियो पे आप बने रहिएगा। हमारी बम्पर जितना देख सकते हैं कि झिंगा झिंगा से पेज भी लगा दिए जा चुके हैं और बम्पर टूट भी गया है, और ग्रिल के पास से भी काफ़ी ज़्यादा क्रैक हो चुका है, तो उसको भी हम लोग रिपेयर करेंगे। यहाँ से भी किसी ने चिपका दिया, तो यहाँ पर भी बम्पर इस तरह से पूरा टूट चुका है, तो उसको भी हम लोग एकदम रिपेयर करेंगे। यहाँ पे किसी ने चना पेच कर लगा के जो है बम्पर को रोका था कि वो, लेकिन फिर भी वो निकल गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूट गया है। और नीचे भी बम्पर काफ़ी जगह से डैमेज हो चुका है, यहाँ पे फट गया है, तो उसको भी हम लोग डेंट करके बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉडी फिलर का हमारा काम शुरू होगा। इस पर यहाँ पर भी चना पेच का यूज़ कर दिया गया है, और लाइट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीली पड़ गई, तो इसको भी हम लोग क्लीन करवा देंगे, क्योंकि वीडियो की लास्ट में आप देख पाएंगे डेंट्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे पड़ गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे इसमें डेंट्स हैं। नीचे रनिंग बोर्ड में काफ़ी बड़ा डेंट्स है, और गाड़ी में रस्टिंग आना भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे भी देखिए काफ़ी ज़्यादा लंबा डेंट्स पड़ गया है इस पर। बाकी यहाँ पे भी है छोटे छोटे, यहाँ पे भी डेंट्स पड़ जाते हैं, तो उसको भी हम लोग रिपेयर। यहाँ पे हमारा जो है फिटिंग खोलने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि डेंटिंग पूरी फिटिंग यहाँ पर खोल ली जाएगी। हमारी हार्डबोर्ड चारों खोले जाएंगे, जो कि दरवाज़ों में जो डेंट होता है, तो उसको हार्डबोर्ड खोल के हम लोग डेंटिंग का शुरू करते हैं उसमें। यहाँ पर भी कोरदार जो लाइन डोर होती है, उसको भी हम लोग एकदम पूरा प्रॉपर सेट करेंगे। बाकी बम्पर में भी ऐसे ही इसी तरह से बम्पर भी झिंगा झिंगा से चिटक गया है। डिग्गी में किसी ने पेंट किया था, तो यहाँ पर रेती के निशान आ गए हैं और चिटकने लगा है रंग, तो ये अच्छी क्वालिटी का पेंट नहीं हुआ है इसकी वजह से। यहाँ पर भी बम्पर भी काफ़ी झिंगा से टूट गया है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि लैंड डोर एकदम, यहाँ पर भी चाइना पेच का ही यूज़ हुआ है। बाकी मिडगार्ड में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बॉडी फिलर का यूज़ हुआ है, इसमें हैंडल भी हम लोग चेंज करेंगे। बाकी दोनों आइटम पे हम लोग, दरवाज़ा है, मिडगार्ड है, जिस पर बहुत ज़्यादा ओवर बॉडी फ्लर भरा गया है, तो उसको हम लोग ग्लेंडर से निकाल देंगे पूरा, क्योंकि धार आर देख सकते हैं कि बिल्कुल ही यहाँ पे सही तरीके से बनी नहीं है, और रंग देख लिए चिटकने लगा है नीचे से। अगर हम इसी के ऊपर बॉडी फ्लर का यूज़ कर देते हैं, तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी, इसी वजह से हम लोग इसको ग्लेंडर से निकाल देंगे। तो अगले दरवाजे में देख सकते हैं कितना ज़्यादा लंबा डेंट्स पड़ गया है, और यही मिडगार्ड में देख सकते हैं कि नीचे का बॉडी फ्लर चिटकने लगा है, तो इसीलिए हम लोग इस पर जहाँ जहाँ ग्लेंडर की ज़रूरत है, वहाँ पे हम लोग ग्लेंडर से बॉडी फ्लर को निकाल देंगे, ताकि हम अपना बॉडी फ्लर इस पर सही से भर सकें। जो कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पूरा ग्लेंडर लग चुका है, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ वहाँ हमने ग्लेंडर लगा दिया है। बाकी यहाँ पर हमारा उसके बाद बॉडी फ्लर का यूज़ शुरू हो जाएगा। बाकी पैनल की जो धारें ख़राब हो जाती हैं, तो उनको भी हम लोग टेप लगा के एकदम सीधी कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डोर पे भी हम लोग नीचे यहाँ पे जो धार होती है, इस पर भी टेप लगा के उसको सीधा किया है, और ऊपर वाली जहाँ पे बिटिंग लगती है, तो उसको भी हम लोग ने टेप लगा के वहाँ पर भी एकदम सीधी कर ली है। धारें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कार में, इसी से गाड़ी का लुक बहुत अच्छा आता है धारों की वजह से, इसलिए धारें पर बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ध्यान दे के धारें बनाना पड़ती हैं। कहीं से कोई धार जो है टेढ़ी नहीं होना चाहिए, एकदम सीधी होना चाहिए, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉडी फिलर काटने का काम शुरू हो चुका है।
यहाँ पे हमारा प्राइमर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो जो माल के निशान आ जाते हैं जो ऐसे थोड़े से डैमेज हो जाता है कहीं पर, तो वहाँ पे हम लोग पुटीन चेक कर देते हैं। उसके बाद फिर से प्राइमर की एप्लीकेशन करके यहाँ पे फाइनली पेंट का काम हम लोग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा फाइनली पेंट का काम शुरू हो गया है। अर्टिका पे जो वाइट आया है वो NS वाइट है, ये गाड़ी का कोड होता है, इसी से हम लोग कोड से रंग बनवाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनली पेंट का काम शुरू हो चुका है, 3 कोट इस पर पेंट होगा हमारा। फाइनली यहाँ पे हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं कि फाइनली रिज़ल्ट भी हमारा बहुत ही अमेजिंग आया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।